हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी वैरन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी फ्रेंड्स केमिस्ट्री के अपने अगले लेक्चर के लिए आप सभी के साथ, आप सभी के सामने उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, हम सभी ने पिछले लेक्चर में अधातु के बारे में पढ़ना शुरू किया था और पहले लेक्चर में हमने बस इतना ही देखा था कि अधातु क्या होते हैं और इनके प्रमुख गुणधर्म क्या होते हैं, तो अर्थात अधातुओं के बारे में बेसिक जानकारी हमने जानी थी, उनको पहचाना था। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम, जैसा कि हमने कहा था कि कुछ प्रमुख तत्वों और कुछ प्रमुख समूहों जो कि अधातु ही हैं, उनके बारे में आगे अध्ययन हम करेंगे। तो आज का अध्ययन हमारा इसी से संबंधित आगे होगा, अर्थात हम कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इन प्रमुख तत्वों का क्रम से अब अध्ययन करेंगे, जानेंगे इनके बारे में। उतने तथ्यों को तो अवश्य जानेंगे जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करूं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप वीडियो अंत तक देखें, बिना स्किप किए देखें, और अंत में वीडियो बंद करने से पहले कमेंट अवश्य करें। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और एक काम और करिए, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस समय में हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड भी होने वाले हैं, कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित हैं, कुछ नई आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में डायरेक्ट डिस्कस हैं, तो ऐसे वीडियोस अपलोड होंगे। तो आप देर न करें, हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपसे छूट जाए। तो चलिए, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में हम सभी पढ़ेंगे अधातुओं में सबसे पहले तत्व हाइड्रोजन के बारे में। हम उन्हीं तत्वों को पढ़ेंगे या समझेंगे या उन तथ्यों को जानेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, हमने देखा था कि हमारी आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, और इसका परमाणु संकेत क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का परमाणु संकेत होता है H, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? एक। और परमाणु भार भी क्या होता है? एक। तो हमारी आवर्त सारणी में सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, और ये क्या है, अर्थात किस प्रकृति का है, धातु है या अधातु है? तो ये क्या है? अधातु है। तो फ्रेंड्स, हम ये कहते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि जब हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था, बाकी अधात्विक तत्व हैलोजन, अक्रिय गैस समूह, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनकी जगह अलग है, ये सातवें वर्ग में है, कुछ आठवें वर्ग में है, कुछ दसवें में है, इस तरह के वर्गों में है, लेकिन हाइड्रोजन सबसे पहले वर्ग में सबसे पहला तत्व है, जबकि उस वर्ग में कौन से तत्व है, उस समूह में कौन से तत्व है, क्षारीय तत्व है, क्षारीय धातु तत्व है, उनके साथ हाइड्रोजन क्यों है? तो उसका कारण यह है कि हाइड्रोजन हैलोजन समूह के तत्वों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर तथा क्षारीय धातुओं वाले तत्वों के भी कुछ गुणों से समानता रखता है, इसलिए इसे दोनों जगहों पर स्थान दिया गया है। अर्थात अधात्विक वाले अपने समूह के तत्वों से तो मैच खाता ही इनके गुण, लेकिन
क्षारीय धातुओं वाले तत्वों से भी कुछ हद तक गुणों में समानता रखता है। यही वजह है इसे सबसे पहले वर्ग में स्थान दिया गया है, जबकि पहले वर्ग में क्षारीय धातुएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके समस्थानिकों को देखेंगे। तो हाइड्रोजन के फ्रेंड्स तीन समस्थानिक हैं। और फ्रेंड्स, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं यह हम सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है हमारे पीछे के लेक्चर्स में, पीछे के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो जाएं, लिंक क्लिप पर क्लिक करें या हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ढूंढकर चेक करें और उस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तीन, 1H1, 1H2, 1H3। अर्थात परमाणु क्रमांक समस्थानिक वे होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इन तत्वों के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, परमाणु क्रमांक तीनों के ही एक एक ही है लेकिन परमाणु भार पहले में एक है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और इनका नाम है ड्यूटीरियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, प्रोटियम और तीसरा है अर्थात 1H3 है ट्राइटियम। इसे ड्यूटीरियम को कैपिटल में अगर लिखा जाता है या एक शब्द में, एक संकेत में लिखा जाता है तो इसे कैपिटल एच लिखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहां थोड़ा मिस हुआ। पहले समस्थानिक को प्रोटियम कहते हैं और दूसरे को ड्यूटीरियम कहते हैं, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक है प्रोटियम और दूसरा है ड्यूटीरियम, तीसरा है ट्राइटियम। प्रोटियम को एच लिखते हैं, ड्यूटीरियम को डी और ट्राइटियम को टी। अगर एक संकेत में एक बड़े कैपिटल लेटर में बस लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं, प्रोटियम को केवल एच, ड्यूटीरियम को डी, ट्राइटियम को टी। फ्रेंड्स, इन्हीं तीन समस्थानिकों में से एक है जो जिसे भारी जल कहा जाता है हमारे रसायन के अध्ययन के बीच। और फ्रेंड्स, इतना आप लोग जरूर थोड़ा बहुत जानते रहे होंगे कि भारी जल का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितना योगदान होता है, मंदक, उत्प्रेरक इत्यादि कई रूपों में भारी जल का उपयोग किया जाता है। तो इसी ड्यूटीरियम को ही भारी जल कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, ड्यूटीरियम को डी और यहीं से भारी जल तैयार होता है या इसी का अगला रूप होगा भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। तो फ्रेंड्स, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होगा D2O, इसी शॉर्ट में कैपिटल डी भी बस कहते हैं। इस कौन से समस्थानिक से शुरू हो रहा है? ड्यूटीरियम। और ड्यूटीरियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही जरूरी है ये। इसमें से
प्रोटियम और ड्यूटीरियम, ये दोनों स्थायी समस्थानिक हैं। लेकिन जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव है। ट्राइटियम समस्थानिक रेडियो एक्टिव है अर्थात नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रोटियम और ड्यूटीरियम स्थायी समस्थानिक, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव समस्थानिक। तो ये तीन रहे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक। क्योंकि फ्रेंड्स हाइड्रोजन में देख रहे हैं हम, और हाइड्रोजन जल का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। जल और ऑक्सीजन के अभिक्रिया के फलस्वरूप ही नए उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो जल के बारे में जानते हैं, एक तो D2O जो कि ड्यूटीरियम से था, भारी जल, इसका रासायनिक सूत्र है D2O। आगे देखेंगे जल के बारे में ही हम, कि क्योंकि हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं इसलिए देखेंगे ही। दो प्रकार के जल होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। तो इनका डिफरेंस करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ऐसा जल जो साबुन में घोलने पर तुरंत झाग दे दे वह जल होगा मृदु जल, और ऐसा जल जो कि साबुन घोलने पर तुरंत झाग न दे या आसानी से झाग न दे उसे कठोर जल कहते हैं। तो जो आसानी से झाग दे दे मृदु जल, जो आसानी से झाग न दे वो कठोर जल। और जल की कठोरता को भी, जो कठोर जल है वो भी दो प्रकार का होता है। मृदु तो खत्म, वो आसानी से झाग दे दे तो मृदु जल, आसानी से झाग न दे तो कठोर जल। लेकिन जल की कठोरता भी दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। ये जल की कठोरता के दो प्रकार है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो अब इनका डिफरेंस क्या है? तो इनका डिफरेंस ये है, स्थायी कठोर जल वह है जिसको उबालने पर भी उसकी कठोरता समाप्त न हो। अगर फ्रेंड्स हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसे गर्म करते हैं अर्थात उष्मा देते हैं और इसे गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद अगर इस जल को पुनः साबुन में घोला जाए और आसानी से झाग दे दे तो ये कौन सी कठोरता वाला जल होगा? अस्थायी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात बहुत मजबूत वाला कठोर नहीं होगा। हमने कठोर जल को लिया, उसे गर्म किया अर्थात उबाल दिया, और उबालने के बाद अगर साबुन में घोल रहे हैं और आसानी से झाग आ गया तो उसमें कौन सी कठोरता है? अस्थायी कठोरता है। लेकिन यदि कठोर जल को हमने लिया, उसे उबाला अर्थात गर्म किया और फिर साबुन में घोला लेकिन फिर भी आसानी से झाग प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर उसकी कठोरता कैसी है? स्थायी कठोरता। कठोर तो दोनों ही जगहों पर जल था क्योंकि ये आसानी से झाग नहीं दे रहा था, लेकिन गर्म करने पे आसानी से झाग देने लगे तो अस्थायी कठोरता वाला जल, अगर गर्म करने पे भी आसानी से झाग ना दे तो स्थायी कठोरता। मतलब को बिना
इसका उपचार किया भी जा रहा है तब भी ठीक नहीं हो रहा, तब स्थायी है। उपचार करने पर अगर सही हो जा रहा है तो अस्थायी है। तो ये रहा जल, जल की अवस्था मृदु और कठोर, और कठोरता के भी दो प्रकार, इनका पहचान कैसे होगा। और फ्रेंड्स ये शब्द बहुत छोटे हैं, बहुत सरल सा लग रहा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य ध्यान रखें। और याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लें या आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। इसमें एक तथ्य है फ्रेंड्स, अगर जल है और वो कठोर है, और अभी हमने पढ़ा कि स्थायी कठोरता होगी या अस्थायी होगी, लेकिन एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा तत्व है, पदार्थ है, जिसे डालने पर, उस पानी में मिलाने पर, चाहे वो स्थायी कठोर हो या अस्थायी कठोर हो, दोनों ही आसानी से दूर हो जाएंगे। तो वो कौन सा यौगिक है या कौन सा तत्व है? तो वो है फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर कठोर जल में डालें तो जल चाहे स्थायी कठोर हो या अस्थायी कठोर हो, दोनों ही आसानी से दूर हो जाएंगे। तो ये तत्व है सोडियम कार्बोनेट। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है या शब्द है, इसे याद आप रखिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स अधातुओं में हाइड्रोजन के बारे में कुछ, जो कि हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट था। और ये तो हम जानते ही हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है हमें? जल, जो कि हाइड्रोजन का प्रमुख गुण है या प्रमुख विशेषता है। और इसे तो हमें याद करने या लिखने की आवश्यकता ही नहीं, यह हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे अब अगले के लेक्चरों में फ्रेंड्स हम आगे की कुछ इसी प्रकार के तत्वों को देखेंगे, अधात्विक तत्वों को, अर्थात सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस या हैलोजन समूह या क्रिय गैस समूह, इन सभी का भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।